हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है टिनाइटस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर टिनाइटिस क्या होता है? तो टिनाइटिस एक कंडीशन है जिसमें पर्सन को एक या फिर दोनों कानों में रिंगिंग या फिर नॉइज़ उन्हें सुनाई दे सकता है। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है और ज़्यादातर ये ओल्डर एडल्ट्स को होता है। टिनाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमेशा एक अंडरलाइन कॉज होता है। आपको कोई ना कोई ऐसी बीमारी होती है जिसके वजह से आपको ये कंडीशन हो सकती है। कंडीशन जैसे कि कई बार पर्सन को एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस हो सकता है या फिर कई बार कान में कोई इंजरी होने की वजह से भी पर्सन को ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन के सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई इश्यूज़ हो रहे हैं तब भी उनको ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको टिनाइटिस के कुछ सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ये डिजीज़ हुई है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को कान में रिंगिंग या फिर बजिंग टाइप का साउंड आ सकता है। पर्सन के आसपास कोई भी एक्सटर्नल साउंड नहीं होता है, ये उन्हें अपने आप ही सुनाई देने लग जाता है। पर्सन को रोरिंग, क्लिकिंग, हिसिंग या फिर हमिंग टाइप का साउंड भी आ सकता है। इसके अलावा ऐसे पर्सन को कई बार हेडेक या फिर माइग्रेन जैसी कंप्लेंट भी हो सकती है। इन्हें बहुत ज़्यादा सर में दर्द होने लग जाता है। कई सारे केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को टिनाइटिस के वजह से वॉमिटिंग या फिर नौजिया की कंप्लेंट भी हो सकती है। इसके अलावा कई बार पर्सन को टिनाइटिस के साथ ही साथ फोटोफोबिया की कंप्लेंट होती है, जिसमें पर्सन को ब्राइट लाइट या फिर जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उन्हें चक्कर आ सकते हैं। अब मैं आपको इसके कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को ये कंडीशन होने का। तो इसके कई सारे कॉज हो सकते हैं, जैसे कि कई सारी बीमारियाँ हो सकती है। अगर पर्सन को हेयरिंग लॉस की कंप्लेन है तब उन्हें टिनाइटिस हो सकता है। एज रिलेटेड भी हो सकता है, जैसे अगर किसी पर्सन की एज एडवांस हो रही है और उनके कान में कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसके वजह से उन्हें टिनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को कोई एयर इन्फेक्शन हुआ है या फिर एयर ब्लॉकेज हुई है, कई बार बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन के वजह से भी पर्सन को कान में अजीब सा साउंड सुनाई दे सकता है। इसके अलावा कई बार ऐसा देखा जाता है कि पर्सन के एक्सीडेंट या फिर कोई इंजरी के वजह से उन्हें ये कंप्लेन हो सकती है। अगर किसी पर्सन को नेक या फिर हेड में कोई इंजरी हुई थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था, चोट लगी थी, तो उसके वजह से भी पर्सन को टिनाइटिस हो सकता है। इसके अलावा कई सारी मेडिकेशंस भी रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि अगर आप कोई एनसेड मेडिसिन का यूज़ करते हैं या फिर आप कोई एंटी मलेरियल ड्रग का यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई पर्सन एंटी डिप्रेसेंट या फिर एंटीबायोटिक्स का यूज़ करता है तो ऐसे पर्सन को ये कंप्लेन हो सकती है। इसके अलावा मीनियस डिजीज़ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉज है। अगर किसी पर्सन को ये कंडीशन हुई है तब उन्हें टिनाइटिस जैसे सिम्टम्स आ सकते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप चिनोपोडियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चीनी नम सल्फ 30 मेडिसिन या फिर आप ग्रेफाइटिस 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आप टिनाइटिस जैसी कंप्लेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था टिनाइटिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।